नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीके गुरुजी में। आज के अपने इस वीडियो में हम एक मैथ का प्रश्न डिस्कस करेंगे। तो जिस प्रश्न की हम बात करेंगे पहले उसको देख लेते हैं। तो प्रश्न हमारा क्या है, प्रश्न है कि एक आदमी अपनी पूंजी का एक तिहाई साधारण ब्याज की दर 7%, एक चौथाई 8% तथा शेष 10% पर निवेश करता है। यदि ब्याज से उसकी वार्षिक आय ₹561 हो तो निवेशित पूंजी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें इसमें ज्ञात करना है कि जितने राशि का उसने निवेश किया था वह राशि क्या है। ठीक है, यानी हमें इसमें निवेशित पूंजी ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम ये मान के चलते हैं कि जो निवेशित पूंजी है वह कितनी है, वह है ₹100। ठीक, अब उसने एक्स का पहले एक तिहाई यानी जो भी राशि है उसका एक तिहाई, साधारण ब्याज की दर क्या है 7%, और ये क्या है वार्षिक आय है यानी एक वर्ष के लिए निवेश किया, और गुणा कर देंगे 100। तो यानी एक तिहाई राशि का यह ब्याज मिलेगा, दूसरा एक चौथाई राशि यानी एक्स बटे 4, इसकी दर कितनी है 8%, समय है 1, गुणा कर देंगे 100। प्लस अब उसने कहा जो शेष, अब शेष कितनी बचेगी, उसकी टोटल थी x, इसमें से x बटा 3 और x बटा 4 हम निकाल लेंगे, सॉल्व करेंगे, 12 LCM लेंगे, यहाँ हो जाएगा 12x, यहाँ हो जाएगा 4x और यहाँ हो जाएगा 3x, 4 3 7, 12 में से 7 जाएगा तो 5x बटे 12 बचेगा, यानी जो शेष पूंजी है वह है 5x/12, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10 और समय है 1 वर्ष, नीचे गुणा कर देंगे 100 का, और बराबर टोटल ब्याज कितना मिला, टोटल ब्याज मिला उसको ₹561, तो हमने 561 के बराबर कर दिया। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो हमें x की वैल्यू निकल जाएगी, वही हमें निकालना है, यहाँ गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 7x, नीचे आ जाएगा 300, प्लस यहाँ करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 8x, यहाँ हो जाएगा 400, और यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 50x और नीचे हो जाएगा 1200, बराबर है 561। अब LCM ले लेंगे तो LCM सबका आना है 1200, 300 से काटेंगे 4 बार जाएगा, 4 का गुणा होगा तो हो जाएगा 28x, यहाँ करेंगे तो 3 बार जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 8×3=24x, और यहाँ करेंगे तो 1 बार जाएगा तो यहाँ 50x पहले से है, बराबर में 561। यहाँ पर इन तीनों को हम जोड़ देंगे तो 28 और 24 हो गया 52, 52 और 50 कितना हो जाएगा 102, तो यहाँ पर हो जाएगा 102x और 1200 पहुँच जाएगा यहाँ सामने, तो कितना हो जाएगा 561×1200। तो x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 561×1200/102, 17 से काटेंगे 17×3=51, 17×3=51, 17×6=102, 3 से काटेंगे 3×2=6 और 11×3=33, फिर 2 से काट देंगे 1200 को तो आ जाएगा 600, x बराबर क्या बचेगा 11×600, तो 11×6=66, यानी कितना आ जाएगा ₹6600 उसकी। तो जो निवेशित पूंजी है उसकी, जो कि हमने x मानी थी, वह कितनी निकल के आई, वह निकल के आई 6600। ठीक है, तो कैसे निकाला था, हमने इन तीनों ब्याजों को जोड़ के 561 के बराबर कर दिया और सॉल्व कर दिया, हमारा आंसर निकल के आ गया। तो ऐसे ही नॉलेज बढ़ाने वाले वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल पीके गुरुजी के साथ। नमस्कार।